आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं पंडा पिथौरागढ़ पहुंच चुका हूं और यहां बर्थडे सेलिब्रेशन होना है आज। और आज नाती का बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेशन में यहां पर आया हूं, तो आज ब्लॉग बने रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं छत पे जा रहा हूं और यहां पर आज मैं बर्थडे बॉय से मिलाने जा रहा हूं आपको। हेलो हेलो हेलो, हैप्पी, आई एम ओके, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आज आपका कौन सा बर्थडे है? दसवां है। My name is Aditya Joshi. I am 10 years old. I study in Fort Cart. I study in Angel Public School. I like to read books. I want to become a special coach. Okay, thank you. Thank you. आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आगे जहां बर्थडे सेलिब्रेशन होना है उस रूम पे आपको ले चलूंगा। ये देखिए शानदार यहां पर तैयारियां हो चुकी हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन होना है आदि का, दसवां जन्मदिन मनाया जाएगा। ये देख सकते हैं शानदार यहाँ पर डेकोरेशन कर लिया गया है। और ये देख सकते हैं बर्थडे की कैप यहाँ पर इनके द्वारा लाई गई है। और ये देख सकते हैं इनकी बचपन की फ़ोटो में दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये बर्थडे बॉय हैं, ये बर्थडे बॉय हैं, देख सकते हैं आप। और अभी ये वर्तमान फोटो है इनकी और शानदार डेकोरेशन आप देख सकते हैं, पूरा कमरा सजा दिया गया है इनके द्वारा। ताकि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूरी बनना स्टार्ट हो चुका है और सभी महिलाओं के द्वारा यहाँ पर अब पूरी बनाने का कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे हैं बर्थडे में। ये देख सकते हैं शाम का वक्त है। हेलो गाइस, इस बर्थडे पार्टी में आए हुए सभी मेहमानों को यहाँ पर टीका चंदन पिठा लगाया जा रहा है। और आज बर्थडे पार्टी में ये लोग शामिल होने के लिए पिथौरागढ़ से अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर आज पंडा पिथौरागढ़ पे आए हुए हैं। और फाइनली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर शानदार डेकोरेशन के साथ साथ पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं। दोस्तों करीब 8 बजने को हैं और यहाँ पर तैयारियाँ हो चुकी हैं और आगे मैं आपको केक दिखाने जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं और डबल केक मंगाया गया है इनके द्वारा। और यहाँ पर काफ़ी आज मेहमान आए हुए हैं बर्थडे पार्टी में और इनके द्वारा गिफ्ट हैम्पर भी यहाँ पर लाया गया है। 8 बजे से कुछ ज़्यादा का समय हो चुका है और इस बर्थडे पार्टी में आज जितने भी मेहमान इनके द्वारा बुलाए गए थे वो फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं और भीड़ बढ़ते रह रही है। और ये देख सकते हैं कमरा धीरे धीरे भरने लग चुका है। अब जो है पार्टी यहाँ पर बर्थडे का केक काटा जाएगा। और दोस्तों इस बर्थडे पार्टी में यहाँ उत्तराखंड का लोक संगीत आपको सुनाई दे रहा होगा और शानदार डेकोरेशन आप देख सकते हैं। और बर्थडे बॉय तैयार हो चुका है, उसको कैप पहनाई जा रही है और इसके द्वारा अब जो है बर्थडे का केक काटा जाएगा। और सजावट आप देख सकते हैं, शानदार सजावट। फाइनली बर्थडे बॉय पहुंच चुका है केक के पास और मम्मी पापा के द्वारा अब जो है यहाँ पर कैंडल जलाई जा रही है और उसके बाद की कार्रवाई बर्थडे बॉय के द्वारा की जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कैंडल इनके द्वारा जला ली गई है और यहाँ पर जितने भी मेहमान हैं वो इस पल का इंतज़ार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये देखिए सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है। सकते हैं दोस्तों यहाँ पर फाइनली केक कट चुका है और अब जो है बर्थडे बॉय को केक खिलाए जा रहे हैं और यहाँ पर गुब्बारे फोड़े जा रहे हैं जश्न में और बर्थडे का सेलिब्रेशन इस तरह यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों पेरेंट्स के द्वारा फाइनली बर्थडे बॉय को केक खिला दिया गया है और इसके बाद जितने भी मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं उनके द्वारा बारी बारी से केक खिलाया जाएगा और इनके साथ फोटो सेशन किया जाएगा। ये देख सकते हैं ये आरम्भ हो चुका है, कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है और सभी जितने भी मेहमान इस
पार्टी भी आई हुई हैं, उनके द्वारा यहाँ पर आज फोटो सेशन कार्यक्रम में भाग लेके इस पल को यादगार बनाने की कोशिश की जा रही है। फाइनली मैं भी पहुँच चुका हूँ और मेरे द्वारा भी केक खिला दिया गया है। देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़े भैया आए हुए हैं आज ये भी पिथौरागढ़ से इनके बर्थडे सेलिब्रेशन में, और ये गांव से चाचा आए हुए हैं और चाचा और मामा के द्वारा इनको केक खिलाया जा रहा है और यहाँ पर केक लगाया जा रहा है इनके मुंह पे। बर्थडे सेलिब्रेशन में आज पिथौरागढ़ से ताई और दीदी ये भी आए हुए हैं, और बड़े भैया और बड़ी दीदी भी पहुँच चुकी हैं, और इधर जाखनी से इनकी बड़ी दीदियाँ भी पहुँच चुकी हैं आज सेलिब्रेशन में, और ये पड़ोसी भी पहुंच चुके हैं और इनके द्वारा सेलिब्रेशन कर लिया गया है यहाँ पर, और आसपास के जितने भी पड़ोसी हैं इनके वो लोग भी यहाँ पर फोटो सेशन कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं ये देख सकते हैं। और इनके बड़े भैया भी आज काफ़ी दूर से आए हुए हैं और बर्थडे बॉय को केक लगा रहे हैं ये देख सकते हैं, और सभी महिलाओं के द्वारा आज इस पल को यादगार बना दिया गया है। केक काटने के बाद दोस्तों फाइनली यहाँ पर केक बांटने की अब बारी आ चुकी है, और यहाँ पर केक बांटा जा रहा है, और सभी जितने भी मेहमान इस पार्टी पे आए हुए हैं सभी लोगों को आज इस बर्थडे का केक दिया जा रहा है। फाइनली ताई के द्वारा सभी लोगों को यहाँ पर सर्व की जा रही है, और यहाँ भी महिलाएं बैठी हुई हैं कमरे में, इनको भी केक बांट दिया गया है। फाइनली दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर केक को बांट दिया गया है, और यहाँ पर अब जो है खाने की तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, और उसके बाद जो है डांसिंग यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट होंगे, और शानदार यहाँ पर जो है आज बर्थडे का प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। और इस पार्टी पे आए हुए छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा यहाँ पर शानदार नृत्य किया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर फाइनली डांस स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर जो पड़ोसी हैं उनके द्वारा शानदार नृत्य किया जा रहा है, और उत्तराखंडी लोक संगीत में काफ़ी अच्छा ये डांस आप देख पा रहे होंगे, और ज़बरदस्त डांस इनके द्वारा किया जा रहा है यहाँ पर। और दोस्तों उत्तराखंड का फोक संगीत इनके लिए लगा दिया गया है, और शानदार नृत्य करके ये शानदार इस पल को यादगार बनाने में जुटे हुए हैं, और इस पल का खूब मज़ा ले रहे हैं, और इन्होंने पूरी पार्टी में चार चांद लगा दिए हैं, और इनका नृत्य आप देख सकते हैं शानदार नृत्य इनके द्वारा किया जा रहा है, और उत्तराखंडी जो सोला सोलियानी वाला गाना है उसमें आप देख सकते हैं शानदार स्टेप इनके द्वारा दिखाए जा रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी मेहमान आए हुए हैं उनके द्वारा मोबाइल से वीडियो बनाई जा रही है इनकी, और महिलाओं के द्वारा भी नृत्य किया जा रहा है देख सकते हैं आप, कुमाऊनी लोक संगीत में इनके द्वारा नृत्य किया जा रहा है यहाँ पर, और बारी बारी से सभी महिलाएं अभी धीरे धीरे अपना डांसिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर देंगी, और ये देख सकते हैं धीरे धीरे सभी के द्वारा यहाँ पर डांस किया जा रहा है, और उत्तराखंड के इन लोकगीतों में काफ़ी यहाँ पर पहाड़ में डांस किए जाते हैं और काफ़ी प्रचलित हैं, और बर्थडे सेलिब्रेशन में चार चांद लगा दिए जाते हैं इन गानों से। फाइनली दोस्तों यहाँ पर पार्टी जो है अपने अंतिम पड़ाव पे पहुँच चुकी है, और सभी जेंट्स और लेडीजों के द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड के लोकगीतों पर शानदार नृत्य किया जा रहा है, और फाइनली मुझे भी आज ये मौका मिला हुआ है, और मैं भी पिथौरागढ़ पहुँच चुका था दिन में ही, और इस पार्टी में शामिल होने के लिए आज मैं यहाँ विथ फैमिली पहुँचा था, और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी छोटे मोटे आयोजन होते हैं और जितनी भी पार्टियाँ होती हैं, और उनमें जो है उत्तराखंड के जो कुमाऊं और गढ़वाल के जो गाने हैं उन दोनों का तड़का लग जाता है, और फाइनली आज गढ़वाली गाने पे सभी लोगों के द्वारा डांस किया जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर खाना स्टार्ट हो चुका है, और जितने भी यहाँ पर आज बर्थडे पार्टी में आए हुए थे सभी लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं देख सकते हैं आप, और यहाँ पर बच्चे बड़े बुजुर्ग लड़के और महिलाओं के द्वारा सबके द्वारा खाना स्टार्ट कर दिया गया है ये देख सकते हैं आप। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर चने बने हुए हैं, पूरी बनी हुई है, और यहाँ पर चटनी बनी हुई है, गोभी की सब्जी है, रायता है, और खाना कैसा बना है? देखो खाना बहुत टेस्टी बना है, यहाँ पर पनीर बना हुआ है और छोले बने हुए हैं, और क्या कहते हैं चटनी बनी हुई है, रायता बना हुआ है, पूरियाँ, बड़ा शानदार, बहुत ही मज़ा आ रहा है, भटोरे बने हैं।